ट्रैवलिंग बस को अज्ञात बदमाशों ने हाईजैक किया। कानपुर से आगरा की ओर जा रही कल्पना ट्रैवलिंग की बस को बीती रात अज्ञात बदमाशों ने हाईजैक कर लिया। यह घटना जैसे ही पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को पता चली, इटावा से लेकर आगरा तक का पुलिस प्रशासन हिल गया और फिर काफी दौड़ भाग के बाद पुलिस ने कामयाबी प्राप्त करते हुए उस बस को इटावा के बलरही थाना क्षेत्र के लखेरे कुआ के समीप एक ढाबे के पीछे खड़ा पाया, जिससे पुलिस विभाग को राहत की सांस मिली। पुलिस ने इस घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खाना खा के बच्चा झगड़ रहा था, इसने खाना खिलाया, बता रहा बस आई, उसको पूछा किसने खड़ी करी, बोले हम जानते नहीं, खाना खा के लेट गया है, मैंने देखा यहाँ कोई। अच्छा, कितने लोग बस में बताए जा रहे थे, कितने लोग थे? एक आदमी बता रहा। अच्छा, तो इसमें कोई सवारी वगैरह? नहीं नहीं कोई सवारी। तो क्या कहकर यहाँ से गए थे वो लोग? कुछ बताया नहीं, खाना खा के लेट गए, मैं जब देखने आया हूँ तो मिला नहीं। कितने बजे की बात रही? 4 बजे तक। आपने उनको इससे पहले अपने ढाबे पर कभी देखा है? नहीं, मैं तो सो रहा था। या कभी इस तरह की बस आपके यहाँ ढाबे पहले आई है? वाले खड़ी करके अपने घर चले जाते, वही खड़ी कर जाते, बता के भी नहीं जाते, छुड़ के चक्कर में बच्चे ने डिस्टर्ब किया। अगर हम ये जानते कि उनकी नहीं है तो मैं क्या मालूम, हम तो सूचना देते भाई पुलिस को। आपको मालूम है कि ये बस आगरा से हाईजैक की गई थी, उस मामले में नहीं जानकारी है? तो पुलिस आई, पुलिस से पूछताछ किया, क्या बताया आपने? जो सामने जो घटना था वो हमने बता दिया, गाड़ी वहाँ खड़ी है, उसने यहाँ खाना खाया, यहाँ लेटा, वहाँ फिर वहाँ मिला ही नहीं। कहा जिस बच्चे के सामने आई है, कि उस बच्चे से आपने पूछा था ये बस को जानते हैं, ड्राइवर को देखा इससे पहले? नहीं, यही कहा कि कचौरा वाले बस खड़ी कर गए। पहचानते हैं उसको? पता नहीं, ड्राइवर पहचानते नहीं, पूछा किसकी है, नरेंद्र जो है ना उनकी गाड़ियाँ हैं, किसकी ये गाड़ी, किसकी है, मेरे को नहीं मालूम, ड्राइवर नहीं पहचानते, उनकी गाड़ी समझ रहे कचौरा वाले, वो खड़ी कर जाते जब घर जाते हैं, यहाँ दो दिन खड़ी भी रहती है गाड़ी। देखिए, जनपद आगरा से फोर्सिबली कुछ लोग एक बस को ले गए थे, तो वो बस जो है वो पुलिस द्वारा सर्च उसमें कराया जा रहा था, हमारे द्वारा पूरे जनपद में, तो उसमें एक बिहड़ का थाना है, हमारे जनपद का थाना बलरही, उस थाने के अंतर्गत एक ढाबे के पीछे इटावा पुलिस को बस मिल गई है, उसको एक व्यक्ति यहाँ पर लेके आया था। इस प्रकरण में अभी पूरी जांच चल रही है, आगरा पुलिस के साथ हम टच में हैं और अभी लोगों से पूछताछ की जा रही और इस केस को